हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द अनोदा पार्ट ऑफ नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज एंड इन दिस पार्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल जो कि आपको हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं जो कुछ सिंबल्स होते हैं कॉमन सिंबल्स एंड साइंस जो हॉस्पिटल और मेडिकल प्रोफेशन में यूज़ होते हैं सो so, इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ एज यू नो कि मैं काफ़ी ज़्यादा पार्ट क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी नर्सिंग एप्टीट्यूड पर ये जो है ये इसका नेक्स्ट पार्ट है एंड वो पार्ट नहीं देखें तो वो भी जाकर देख लें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी एंड एज़ यू नो कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे कुछ हेल्थ इशूज़ थे इस वजह से मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया सो इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉमन साइंस एंड सिंबल यूज इन मेडिकल प्रोफेशन सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो इफ़ यू न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बेलाइकन ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज टाइम टू टाइम फ्यूचर में मिलती रहे तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगन दिस वीडियो सो हमारा जो फर्स्ट सिंबल है दैट इज़ इसको हम कहते हैं कैड्यूशियस इस सिंबल जो आपको सामने दिख रहा है मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है लेकिन ये जो सिंबल है ये पुराने समय से आया है पुराने समय से क्या मतलब है एक गॉड थे जिनका नाम था ग्रीक गॉड सॉरी ग्रीक गॉड थे उनका नाम क्या था उनका नेम था हारमिस उन्हें हरमिस कहा जाता था और उनके पास एक ऑड लुकिंग ऑड लुकिंग स्टाफ था ऑड लुकिंग स्टाफ मतलब ऑड लुकिंग स्टाफ था वो क्या था इंटरमाइंड था इधर उधर इंटरमाइंड था टू सरपेंट से ट्र सरपेंट मतलब सांप को कहा जा रहा है और उसके ऊपर दो फैदर भी लगे हैं आप देख सकते हैं बाउंड्री है? है। मतलब मतलब वगैरह इस टाइप का तभी तो से ये सिंबल डेवलप हुआ है हरबस uh, जो गॉड थे उन्हीं से ये सिंबल डेवलप हुआ है और यहां पर स्नेक का क्या मतलब स्नेक तो इज अ वेरी डेंजरस एनिमल तो स्नेक का ये मतलब स्नेक रिप्रेजेंट करता था लॉन्गी और इमोर्टिलिटी को इसलिए स्नैक यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और ये सिंबल तभी से डेवलप हुआ है और ये मेडिकल प्रोफेशन में बहुत कॉमनली यूज़ होता है इस सिंबल का जो नेम है दैट इज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट इज़ कैरियोशियस सो ये हमारा पहला सिंबल हो गया नेक्स्ट हम कुछ और सिंबल डिस्कस कर लेते हैं कुछ और कॉमन सिंबल को देख लेते हैं जैसे कि आपके फार्मेसी में एक सिंबल है तो आपको सिंपल होगा फार्मेसी के लिए ये सिंबल यूज़ हुआ जाता है फर्स्ट एड के लिए ये सिंबल यूज़ होता है मोस्टली आपने फर्स्ट एड बॉक्स पर भी ये सिंबल देखा होगा एंड हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है कैडुशियस जो मैं आपको बता चुका हूँ हॉस्पिटल साइन के लिए ये यूज़ किया जाता है जेंडर सिंबल दिखाने के लिए फीमेल एंड मेल का जेंडर दिखाने के लिए ये सिंबल होता है स्टार ऑफ लाइफ का ये सिंबल होता है अवेयरनेस रिवन ये होता है अवेयरनेस रिवन ग्लोबल हेल्थ का सिंबल है यहाँ पर ये आपके कुछ सिंबल हैं देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिंबल होंगे उन्हें मैं आपको इनमें से भी एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आपके कुछ सिंबल हो गए जैसे कि हॉस्पिटल के लिए ये सिंबल भी यूज़ होता है बायोलॉजिकल हज़ार के लिए ये सिंबल होता है डी एन एज यू नो कि ये डी एन ए का साइन होता है डी एन ए इसी तरह के स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन सेल हो गया आपका रेडिएशन सिंबल ये सिंबल मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको एंड बैंड एट सिंबल है बैंडेड सिंबल है एटम का है एंड फर्स्ट एड एंड किट फर्स्ट एड किट का सिंबल है So, ये आपके कुछ सिंबल हैं बैंडेड एटम एंड फर्स्ट इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट सिंबल होंगे एंड अदर देन दिस मैं उन्हें अब एक्सप्लेन कर देता हूँ डीपली। सो so, अब हम एक, एक सिंबल को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं अब एक जो सिंबल है वो है हेल्थ हज़ार काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है ये सिंबल अगर आप देखते हैं इसका मतलब आगे जो चीज़ है वो क्या है कोई कार्सिनोजेनिक चीज़ है मतलब कि जिससे कैंसर कॉज हो सकता है आपकी हेल्थ में किसी तरह की हजार्डनेस आ सकती है हेल्थ को नुकसान पहुँच सकता है कोई म्यूटेजनिक चीज़ है टॉक्सिसिटी है आगे जिससे हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए सिंबल यूज़ करा जाता है हेल्थ हज़ार सो ये तो आपका हो गया हेल्थ हज़ार सिंबल नेक्स्ट है फ्लेम फ्लेम सिंबल के नेम से ही पता चल रहा होगा कि आगे कोई फ्लेमेबल चीज़ है जिससे आग लग सकती है वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए सेल्फ हीटिंग है आँख पकड़ सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनिक पैरक्साइड्स हैं फ्लेमेबल गैस हैं आगे पायरोफोरिक्स हैं इस तरह की अगर चीज़ें हैं आगे तो ये सिम्बल यूज़ करा जाता है ताकि लोग अवेयर हो सके और ये सिम्बल से मतलब आगे ना जाएँ या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है आप आग लग सकती है तो ये सिंबल यूज़ करा जाता है फ्लेम नेक्स्ट नेक्स्ट सिंबल है एक्सक्लमेशन मार्क एक्सक्लमेशन मार्क सिंबल एक्सक्मेशन मार्क की तरह ही है बट इस सिंबल का मतलब अलग है इस सिंबल का यूज़ इसलिए होता है कि कोई भी आगे से चीज़ है जो आपकी स्किन और आई कॉन्टैक्ट में आकर आपको कुछ भी इरिटेशन कॉज कर सकती है कोई भी स्किन सैनिटाइजर या फिर टॉक्सिसिटी हार्मफुल हो सकती है आगे चीज़ जो आपकी स्किन और आई को हार्म करे इफेक्ट्स हो सकते हैं हेज टू ओजोन लेयर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट किसी भी इस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपके किसी भी तरह की इरीटेशन हो सकती है प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए सिंबल यूज़ करा जाता है नेक्स्ट आपका सिंबल है दैट इज़ गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर सिंबल गैस अंडर प्रेशर आगे कोई भी गैस सिलेंडर्स वगैरह हैं इस तरह के लोगों को अवेयर करने के लिए गैस सिलेंडर सिंबल यूज़ करा जाता है गैसेस अंडर प्रेशर नेक्स्ट सिंबल है क्रोजन क्रोजन सिंबल का मतलब है स्किन क्रोजन आई डैमेज क्रोजिव टू मेटल्स मतलब कि आगे कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं आग लग सकती है डैमेज हो सकती है, आई डैमेज हो सकती है स्किन में क्रोजन हो सकता है आग लग सकती है मेटल्स अगर कोई मेटल है उस पर क्रोजिव टू मेटल्स हो सकते हैं तो ये सिम्बल यूज़ करा जाता है नेक्स्ट जो सिंबल है वो है एक्सप्लोडिंग बॉम्ब इस सिंबल का मतलब क्या है इस ये सिंबल तब यूज़ करा जाता है मतलब आगे कोई ऐसा प्लेस है ऐसी जगह है जहाँ पर जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें एक्सप्लोड होने की क्षमता है एक्सप्लोड होने का पोटेंशियल है कि वो ब्लास्ट हो सकता है इस तरह की कंडीशन आ सकती है कि इसी वजह से एक्सप्लोडिंग बॉम सिंबल यूज़ करा जाता है नेक्स्ट सिंबल है द फ्लेम ओवर सर्किल फ्लेम सो फ्लेम ओवर सर्किल जो सिंबल है ये ये शो करता है कि आगे कुछ ऐसे ने प्रोडक्ट हैं दैट आर ऑक्सीडाइजिंग सॉलिड्स भी हैं लिक्विड्स भी हैं गैसेस भी हैं एंड ये क्या है ऐसा कुछ हो सकता है ईज़िली ये जल्दी ही जल सकते हैं ईजिली बर्न हो सकते हैं ये एंड अगर इन्हें मतलब अच्छे से हैंडल नहीं करा गया कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये बहुत जल्दी बर्न हो सकते हैं इस वजह से फ्लेम ओवर सर्किल सिंबल यूज़ करा जाता है सो so, ये तो बात हो गई आपके फ्लेम ओवर सर्कल सिंबल की नेक्स्ट आपका जो सिंबल है दैट इज़ स्कल एंड क्रॉस बोन सिंबल इस सिंबल का क्या मतलब है देखिए ये जो सिंबल है इनके सिर्फ सिंबल के नेम ही पूछे जाएंगे ये नहीं पूछा जाएगा ये सिंबल क्या दिखाता है इसका क्या मतलब होता है वो तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए आपको माइंड में अच्छे से, से सेट हो जाए तो ये जो सिंबल है ये जो होता है ये शो करता है स्कल एंड क्रॉस बोन इस सिंबल का नेम होता है बट इसका मतलब क्या होता है इसमें क्या होता है एक होता है ह्यूमन एंड टू बिहाइंड इट सो इस सिंबल ये इंडिकेट ये करता है कि ऐसे कोई हजारते प्रोडक्ट है विद द पिक्टोग्राम दैट कैन डेथ और पॉइजनिंग मतलब कोई ऐसी जहरीली चीज है जो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे जहर फैल सकता है या फिर डेथ हो सकती है तो इसलिए ये सिंबल है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सिंबल होता है ये सीधे मतलब कुछ ऐसी चीज़ है आगे जो आपकी क्या है ह्यूमन की डेथ कॉज कर सकते डेथ का कारण बन सकते है, इसलिए ये स्कल एंड क्रॉसबोन सिंबल यूज़ करा जाता है ये जो सिंबल मैंने एक्सप्लेन करे हैं इन्हीं में से चांसेस है इन्हीं सिंबल में से ही क्वेश्चन आ सकता है और ज़्यादा सिंबल्स नहीं पूछे जाते हैं सो नाउ इट्स टाइम टू एंड विद वीडियो आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो सून